हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देख रहने वाले हैं CITS रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। यदि आपके पास भी इसके यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये मैसेज आया हुआ है या ईमेल आया हुआ, बहुत से कैंडिडेट जो हैं जो CITS 2020-21 सेशन से थे और जो कैंडिडेट CITS 2019-20 सेशन से थे, उन सभी को SMS आया हुआ है। और SMS क्या आया हुआ है, व्हाट्सअप आया हुआ है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तरफ से ये मैसेज आया हुआ है, ठीक है, और साथ में उनके पास ईमेल भी आया हुआ है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे तथा साथ में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल से और क्या है, आपको मैसेज क्यों आया है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ईमेल भी प्रोवाइड हुआ है ना, देख लीजिए। आपको यहाँ पे आपका लॉगिन क्रेडेंशियल यानी कि आपका ट्रेनिंग आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है। ये जो मुझे प्रोवाइड किए हैं, ये प्रोवाइड किए हैं रोशन कुमार जी, हावड़ा से NSTI से कर रहे थे, CTI कर चुके हैं और सेशन उनका जो है 20-21 सेशन था, तो उन्होंने प्रोवाइड किया है। आपको भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन CITS से रिलेटेड है तो आप भी आपको भी क्रेडिट दिया जाएगा इस चैनल पे, आपका भी नाम लिया जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं कोई भी अपडेट, ठीक है। इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैसेज बहुत से कैंडिडेट के पास आया हुआ है, तो ये बहुत से कैंडिडेट कमेंट भी कर रहे थे, सर इसके बारे में वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि मैं इस पे बात भी किया हूँ, वो ऑडियो भी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। इस नंबर पे बात हुआ है, आप चाहें तो इस नंबर पे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कॉल करके, वो मैं ऑडियो आप लोग आगे सुन लेंगे। सबसे पहले आपको देखिए, ये जो मैसेज आया हुआ है ना, जिन भी कैंडिडेट को ईमेल आया हुआ है या व्हाट्सअप मैसेज आया हुआ है, तो इसके बारे में मैं बताऊं, आपको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज ऑटोमेटिक आया हुआ है, ठीक है। अगर ये मैसेज ऑटोमेटिक आया है और बिना आपके जाने में ही ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इसके रिकॉर्डिंग मैं बात किया हूँ जब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, तो वो बता रहे थे कि सर आपको अभी ऑफिशियली कोई भी मतलब हेड क्वार्टर से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ऑलरेडी इनके पास बहुत से कंप्लेन हो चुके हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी CITS कैंडिडेट कर रहे थे उनके पास मैसेज गया है, ठीक है। तो ऑडियो आप आगे सुन सकते हैं। और देखिए, इसको मतलब ये मैसेज कब आना चाहिए था आपको, वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है skillindia.gov का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए पोर्टल जो चल रहा है ये वाला, ठीक है, इसमें देखिए रजिस्टर एज ट्रेनर, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, आई वांट टू स्किल माई सेल्फ, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि रजिस्टर एज SSR, रजिस्टर एज ट्रेनर, तो आपका ये मैसेज आया हुआ है ट्रेनर के रूप में ना। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तब ये मैसेज आता है, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, जब मैं ओपन कर लिया, अब यहाँ पे आप खुद रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि ट्रेनर इंडिया नेशनल, और अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर देंगे और एग्री पे क्लिक करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ये मैसेज आएगा। लेकिन ये ऑटोमेटिक आया है, तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग ऑडियो सुन सकते हैं कि क्या स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया है, ठीक है। तो ऑडियो आप आगे सुन सकते हैं इसकी। नमस्कार स्टूडेंट हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, मैं सुबह में आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी सर नमस्कार, सर मेरे पास एक मैसेज आया है skillindia.gov.in की तरफ से। ओके, निश्चिंत रहिए, पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या मैसेज जी सर? वो मैसेज है सर, मैं उसी के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या है मतलब वो ट्रेनर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आया है ऑटोमेटिक वो मैसेज जिसमें आईडी पासवर्ड भी है। आपने ट्रेनर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था कहीं? रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है सर, लेकिन 20-21 सेशन से थे CITS में, तो हमें लग रहा है उसी के रिगार्डिंग कुछ ये नहीं आया ना। निश्चिंत रहिए, पूरी जानकारी दी जाएगी। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब अली है सर। स्टेट क्या है? स्टेट उत्तर प्रदेश। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरा मैकेनिकल से डिप्लोमा है सर, और साथ में उन CITS किया हूँ। ओके सर, माफी चाहूंगा, ये जो मैसेज है इसके रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस में इन्फॉर्म कर चुके हैं हम। ओके, जब तक कोई हेड ऑफिस से इन्फॉर्मेशन नहीं आती हम आपको अपडेट नहीं दे पाएंगे, आप वेट कर लीजिए, जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सर ये ऑटोमेटिक मैसेज सक्सेसफुल का आया कि वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट योर रजिस्ट्रेशन ट्रेनर हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन स्किल इंडिया पोर्टल। इसके रिकॉर्डिंग हमारे पास सर ऑलरेडी बहुत सारी कॉलें आ चुकी है। ओके, इसी रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस में इन्फॉर्म भी किया गया है, तो जब तक हेड ऑफिस से कोई अपडेट नहीं आ जाती है कि किस पर्पज से मैसेज किया गया है
और इसमें एक्सेस अगर क्या हो सकता है मैं आपको अपडेट नहीं दे पाऊंगा, जब आप जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सर, कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू हमारे तरफ से। ईमेल भी आएगा सर जी? इस पे व्हाट्सएप मैसेज आया था सर, ये सब सारी चीजें। जी जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, पर अभी तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन क्रेडेंशियल कैसे दे दिया है, जैसे ट्रेनर आईडी पासवर्ड वगैरह ई कौशल करके दिया है सर, अगर इन्फॉर्मेशन होती तो मैं दे देता आपको। और सर दूसरी बात की इसको लॉगिन करने पे पूरा नाम भी सही दिखाई दे रहा है। जी सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर अभी हमारे पास अपडेट नहीं है तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा इसके रिगार्डिंग सर। एक चीज और पूछ सकता हूँ जी? बताइए सर, ये है क्या मतलब ये स्किल इंडिया पोर्टल वगैरह ये है क्या, इससे क्या बेनिफिट होगा? ट्रेनर होते हैं सर जो ट्रेनिंग देते हैं जी, ओके ट्रेनिंग जी, सेंटर पे जी जी, तो हो सकता है उस ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपको मैसेज किया गया हो जी, तो जब तक हम कंफर्म नहीं होते हैं तो हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। ठीक है सर, ओके। मतलब इससे कोई बेनिफिट हो सकता है ट्रेनर के रूप में कोई मतलब जी? क्या सर मतलब ट्रेनर देने पे कोई बेनिफिट वगैरह सैलरी वगैरह भी मिलेगा क्या? ये हम नहीं बताते हैं सर। ओके सर, तो आपने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑडियो पे जो बात हुआ था वो आपने सुन पाया, और आपको अभी कुछ नहीं करना है, अभी ऐसे रहने दीजिए। जैसे ही इसके बारे में अन्य अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जरूर इसी चैनल के माध्यम से। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके दें कि उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, आपको कोई भी सैलरी वगैरह नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बस ये एक कोर्स है जिसको आप लोगों को 15 से 20 दिन तक ट्रेनिंग दिया जाएगा। 15 से 20 दिन के ट्रेनिंग देने के दौरान, ठीक है, उसमें आप लोग को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट तभी आपको मिलेगा जब आप 11,000 रुपये पेड करेंगे, ठीक है। वो मैं बात रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, पहली बार बात किया था तो ये बातें हुई थी जो कि उसी नंबर सेम नंबर पर बात हुआ था, कॉल भी ट्रांसफ़र हुआ था, तो इसमें बोला गया था कि 11,000 रुपये लगेगा और उसकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी वो 2 ईयर्स का होगा, ठीक है। जिसमें आप लोग को ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद जहाँ जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है स्किल इंडिया पोर्टल, स्किल इंडिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो वहाँ आप जाएंगे और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और उसके माध्यम से आप ट्रेनर वहाँ पे रहेंगे, और उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बंदा जहाँ पे ट्रेनिंग ट्रेनर है चल रहा है वो आपको रख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी ये इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या आपका भी ऐसा मैसेज आया है तो आप अपना बताइए आप किस जगह से अपना NSTI किए हैं और आपका मैसेज कब आया, और आपको भी मैसेज आया कि नहीं ये यस नो में बता दीजिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।